हकीम आमिर रजाक उबाया तमाम दुनिया के चाहने वालों को मदीन तोलिया मुल्तान से पाकिस्तान से असलम अलई अर्ज करता है अल्लाह तब को सेहत दे और हम सब का ख़ात्मा ईमान पर करे और अल्लाह ताला में थाने कचहरी और बद नज़रों से अल्लाह ताला बचाए सेहत से बड़ी कोई नेमत नहीं है आज मैं बात कर रहा हूँ यकीन मेरे हज़ारों लेक्चर्स हैं जैसा कि आप जानते हैं आज मैं बात कर रहा हूँ मर्द की मर्दानगी पर इस हवाले से पहले आपको एक वाक्या सच्चा सुनाता हूँ ए आर वाई न्यूज़ पर क्रिमिनल मोस्ट वांटेड में अब से कोई पाँच साल पहले ये वीडियो मैंने देखी साहिवाल का एक नौजवान था जो किसी के घर में जाता वहाँ उसकी बेटियाँ जो हैं बहुत हसीन थीं तो बेटियों पर वो आशिक था लेकिन इस दौरान बेटियों की माँ ने जो है देखा भी लड़का हसीन है तो क्यों ना मैं इसको पटा लूँ बेटियों की माँ ने अपनी तरफ उस लड़के को मुतव करने की कोशिश की और लड़का मुतवज़ हो गया जो कमाता उन्हीं को खिलाता फिर जब उसकी माँ से लड़कियों की माँ से दोस्ती हो गई तो माँ फिर उस लड़के पर ख़र्च करती अपना सारा कुछ जो है वजह क्या थी उस औरत का घर वाला जो है कमज़ोर था लड़का नौजवान था औरत को मज़ा आया औरत ने मज़े लिए उस लड़के से और जब मज़े लिए तो फिर वो घर वाले के दुश्मन बन गई कि घर वाले के तो पल्ले कुछ नहीं हैं ये तो जो है ना ना मर्द है इस मर्द में ताकत है तो उसने कहा मेरे घर वाले को जो है तुम कत्ल कर दो और सारी ज़मीन के तुम वारिस हो जाओगे हम शादी भी कर लेंगे लड़का इस बात पर कायल हो गया उस घर वाली ने रात को जो है घर वाले को नशा दिया और लड़के से कहा इसको कतल कर दो उसको कतल कर दिया गया मैं अपने उस मौजू की तरफ़ आता हूँ ये तो आप YouTube पर भी देख सकते हैं एक सच्चा वाक़ है यकीनन जो है मर्द और औरत की यही दोस्ती है और इसके अलावा कोई दोस्ती नहीं है माँ बाप के घर में बच्ची को कम प्यार मिलता है क्या भाइयों को प्यार बहन को कम मिलता है क्या जो है बहन बहन का प्यार कम मिलता है क्या माँ जो है अपनी बेटी को प्यार में कोई कमी करती है यकीन तमाम सहूलियात अपने पेरेंट्स के घर में उसको होती हैं लेकिन जो मज़े लेने जो हकूक जोजियत है देखें औरत माँ भी है बहन भी है बेटी भी है यकीनन सारे रिश्ते हैं लेकिन जब उसको अपने हस्बैंड के साथ वो सुकून नहीं मिलेगा जो औरत चाहती है तो फिर कोई और रास्ता अख्तियार करेगी और आए दिन अखबार में पढ़ते हैं मैं और आप सभी पढ़ते हैं कि जी फलां दस बच्चों की माँ आशना के साथ फ़रार हो गई उसकी वजह क्या है उस मर्द में ताकत होती है और उस मर्द में ताकत नहीं होती और मेरे पास भी ऐसे कई पेशेंट्स आते हैं कई हसिनो जमील लड़कियाँ आती हैं जो अपने खावनों की शिकायत करती हैं कि जी शादी हुई मज़ा नहीं है लुत्फ नहीं है नौजवान लड़के आते हैं वो बताते हैं कि लुत्फ़ नहीं है मज़ा नहीं है यकीन जो है इससे पहले भी राजा महाराजा जो थे वो उन्होंने बेशुमार बीवियाँ रखी होती थी चार शादियाँ भी सुन्नत नबी है और अम्बिया कराम सहाबह कराम ताबीन तब ताबीन उन्होंने भी शादियाँ कें और हज़ूर सल्ला वसलम के दौर में भी लोगों को कमज़ोरियाँ थीं फिर हजूर सल वम से ये भी सबित है कि एक खातून ने भी आकर शिकायत की अपने घर वाले की और मौजूदा हालात में भी ऐसे ही है कि आज इंसान जो है इंसान के पल्ले कुछ नहीं है इंसान के अंदर दो कमज़ोरियाँ तो आम हैं एक मर्दाना कमज़ोरी और दूसरा खूबसूरत और, औरत कमज़ोरी खूबसूरत औरत कमज़ोरी तो है इंसान की लेकिन जब मर्द के पले कुछ ना हो मर्द की मर्दानी की ताकत ना हो तो औरत जो है उसके पास कभी भी नहीं रहेगी औरत रूखी सूखी खाने पर भी तैयार है लेकिन जो है घर वाले के पास मर्दाना ताकत उसकी होनी चाहिए और इससे पहले बादशाहों का जो दौर था उसमें भी बादशाह भी उन्होंने शादियाँ की हुई थीं मुगलिया ख़ानदान में इससे पहले जो है लेकिन वो यकीन सोना चांदी से इलाज कराते सोने का पानी पीते कस्तूरी खाते जवरान खाते और अल्लाह ताला की नियमतें इस्तेमाल करते आज नौजवान जो हैं अल्लाह की नियमतें इस्तेमाल नहीं करते जिसमें इलाज भी मौजूद है और पहले देसी घी होता अब देसी घी लोग नहीं खाते देसी घी को पसंद नहीं करते ये वजूहत भी यकीन है आज जो है इगलामबाज़ी बहुत ज़्यादा है और आज जो है मुज़ज़नी से इंसान जो है शादी से पहले ख़त्म हो चुका होता है हज़रत इमाम हसन बसरी रहमत के पास एक शख़्स ने शिकायत की कि फ़लाँ शख्स जो है उस पर औरत जो है हावी है औरत पर कुदरत हासिल करने के लिए कुरानी अमल व समा बेअी व इ न वल वलअरदा फ्रश हा फ़न मल माह ये एक कुरानी अमल है ये वज़ायफ़ हैं जिस मर्द को कमज़ोरी हो बाकी अल्लाह ताला की नमतों में इलाज तो मौजूद है आप मेरे लेक्चर जो हैं मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से जिनसी कमज़ोरी के हवाले से बेशुमार सुन सकते हैं यूट्यूब पर